नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 13वें सीजन के फाइनल मुकाबले में दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी। इस महामुकाबले में दिल्ली कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और सिर्फ 22 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी हुई। ऋषभ पंत अर्धशतक लगाकर 56 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद भी श्रेयस अय्यर ने एक छोर को संभाले रखा और अंत तक नाबाद रहते हुए फाइनल मुकाबले में 50 गेंदों पर 65 रनों की एक शानदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने इस दौरान 6 चौके और 2 छक्के लगाए। ये श्रेयस अय्यर की ही पारी का असर था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम 150 के पार पहुंच सकी। आपको बता दें, दिल्ली की शुरुआत जिस तरीके से रही थी, लग नहीं रहा था टीम बमुश्किल 120 से 30 तक पहुंच पाएगी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक कप्तानी पारी खेलते हुए मुंबई इंडियंस के सामने एक सम्मानजनक स्कोर रख दिया है। आपको बता दें, इस सीजन श्रेयस अय्यर ने 500 रन भी इस पारी के दौरान पूरे कर लिए। श्रेयस अय्यर शुरुआत में काफ़ी शानदार फॉर्म में थे, लेकिन बीच के दौरान उनकी फॉर्म में भी थोड़ी कमी आई थी, लेकिन फाइनल जैसे अहम मुकाबले में उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाते हुए अपनी टीम के लिए एक शानदार अर्धशतक जड़ा। आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल मुकाबले में निर्धारित 20 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। मुंबई इंडियंस को 5वीं बार खिताब जीतने के लिए 157 रनों का टारगेट मिला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।